संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई थी। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने गोलबंदी कर ली है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा असली पावर टेस्ट दिल्ली अध्यादेश पर होना है। लोकसभा में तो एनडीए के पास भारी बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम है। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलने से राज्यसभा में भी उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और आसानी से दिल्ली अध्यादेश पारित हो सकता है। आंध्र के सीएम जगमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर पार्टी एनडीए के साथ खड़ी होगी। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अच्छा संख्या बल है। लोकसभा में वाईएसआर के 22 तो वहीं राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार का होगा। कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को सौंप दिया जाए। इसके एक सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश जारी कर दिया था। वाईएसआर कांग्रेस के नेता बी विजय साई रेड्डी ने कहा कि दोनों ही मुद्दों पर पार्टी सरकार का साथ देगी। बता दें कि सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर बयान दे। इसी मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पर चर्चा और फिर वोटिंग हो सकती है। भाजपा इस प्रस्ताव से निश्चित है क्योंकि लोकसभा में उसके पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है। बता दें कि राज्यसभा में एनडीए के पास 101 सदस्य हैं, जबकि 26 दलों के गठबंधन इंडिया के पास 100 सदस्यों का समर्थन है। तो वहीं 28 ऐसे हैं जो कि खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें बीएसआर के 7 विधायक हैं जो कि विपक्ष का साथ दे सकते हैं। तो वहीं बीजद और वाईएसआर कांग्रेस के 9-9 सांसद हैं। बीजद और वाईएसआर उच्च सदन में विधायी मामलों में सरकार का साथ देती आएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश के लिए भी सरकार को राज्यसभा में ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी।